सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबका स्वागत है मेरी नई रिएक्शन वीडियो के अंदर। आज हम रिएक्ट करने वाले हैं। मैं ऐसे ही यूट्यूब पे सर्च कर रहा था ना, एक चीज मिली मेरे को, दिल्ली से आगरा सिर्फ 15 मिनट के अंदर ऑन हायाबूजा। भाई साहब, ये देखूंगा मैं कि ये 15 मिनट के अंदर दिल्ली से आगरा कैसे पहुंच गए, वो भी हायाबूजा पे 15 मिनट के अंदर। यार एक्साइटेड हूँ काफी देखने के लिए कि क्या सीन है ये हायाबूजा वाला, है ना। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आप और मैं मिलके वीडियोस में मजे ले पाए रिएक्शन करके। या देखते हैं, है ना, दिल्ली टू आगरा, या लेट्स गो। ये R1 टर्बो एक्सट्रीम यूट्यूब चैनल। ओके टर्बो एक्सट्रीम। तो रोड ट्रिप और यहाँ से चल रहे सीधा आगरा। आगरा लखनऊ नहीं, पहले आगरा, पहले आगरा, पहले आगरा। तो ये आ गए अलग अलग राइडर्स एंड कुछ स्पेशल इवेंट है, कुछ स्पेशल चीजों के लिए जा रहे हैं। ये इवेंट इवेंट तो कर ही रहे हैं, प्लस कौन में क्या क्या ये है। तो टाइमिंग भी रिकॉर्ड बना रहे हैं। Yamaha R1 BMW S1000 RR देन 10 RR और अपनी वायरल। आगरा इज 185 किलोमीटर, 185 किलोमीटर जहाँ पे खड़े हुए हैं। अपन स्टॉप लेंगे यमुना एक्सप्रेस, अपनी बैकअप कार आ चुकी है एंड वी आर मूविंग। तो भाई ये अपन बिल्कुल रेडी, और ये आ गई 10 RR। ये सुनी लो काम खत्म है मेरे, चलो लेट्स गो। यो टाइम टू राइड। 1 2 3 4 5, 5 बाइकर्स, 1 कार एंड चलो भाई, चलने का टाइम आ गया। 15 मिनट में कैसे पहुंचेंगे यार, कितने स्पीड पे चलेंगे। ये तो ऐसा लग रहा है धूम देख रहा हूं मैं। रिस्क भी होता है यार इनमें। ये निकल गया भाई, स्पीड तो दिखा दो, कितनी स्पीड जा रही है। अरे भाई साहब, खींच दिया मीटर। ओ भाई, फक्सी ना भाई, खत्म। हवा से बातें हो रही है भाई, हवा से चीर फाड़ करती हुई। ओ भाई भाई, बाइक चल रही है, उड़ रही है। अरे भाई, ओ भाई, तो ये लगा दी अपन ने 300। भैंचो, 300 किलो, भाई मैं तीन देखता हूँ सौ 300 एक सुई बार टच कर दी। एंड पीछे राइडर्स आ रहे हैं मेरे काफी स्पीड में। भाई 300 पे सुई टच, वो ये देखिए देखो 1000 RR। वो निकल गई भाई, खतरनाक। भाई ये चला कैसे लेते हैं यार मेरे।
उड़ रही है भाई, बाइक तो उड़ रही है, चल थोड़ी रही है। भाई ये तो उड़ा के मानेगा, फाड़ देगा ये मीटर की सुई। मैं से पीछे रह गए, मैं काफी तेज खींचता हुआ आ गया, बट काफी स्पीड में आ रहे हैं, वो भी ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल बैक टू बैक ही चल रहे हैं सारे। एंड मेरी जैकेट पीछे से उड़ रही है, तो मैं थोड़ा सा गियर अप कर लिया, ये मैंने गियर ड्रॉप किया। चला तो मेरे को लगता है कि पूरा फ्यूल हम ऐसे ही खत्म कर देंगे। भाई ये चल क्या रहा है, क्या हुआ, धीरे क्यों हो गई, स्टॉप ले रहे हैं क्या ये? ओह माय गॉड, तो हम पहुंच गए जेवर, 71 किलोमीटर। मैं आ चुका हूँ टोटल राइड पे 758 टाइम। एंड भाई ओए होए होए, मजा सा आ गया यार, सीरियसली मतलब नेक्स्ट लेवल राइड हो गई ये तो, खतरनाक। राइड तो है लेकिन भाई रिस्क भी कितना है इस राइड में, थक गए पर थक गए, अभी भी थक गए, हाफ गया मैं तो। R1M S1000RR अतुल भाई, तो अब फ्यूल अप कराएंगे यहाँ से, पेट्रोल पंप से निकल गए, पेट्रोल पंप ये रहा, पेट्रोल डलवा लिया मैंने फुल, तो 570 रुपए का डला है 72 किलोमीटर पे, तो 72 किलोमीटर चली है भाई, और 570 रुपए का पेट्रोल डल चुका है इसमें दोबारा, तो मतलब 570 रुपए में 72 किलोमीटर चली है 72 किलोमीटर, तो आइडिया लगा लो कितनी देर लगी, 8:18, काफी देर हो गई थी यहाँ पे खड़े हुए। एंड लेट्स रोल, अरे भाई वो निकल गया चीर पाड़ करता हुआ, ओ ओ ओ ओ ओ कुछ लफड़ा हुआ क्या गाड़ी के साथ, वो देख रहा है गाड़ी में। ओ भाई उड़ गया वो तो, वीडियो बना रहे हैं ये, ले बना वीडियो।
भाई भाई धूम धूम फेल कर दी इन्होंने भाई। तो वैसे टोल टैक्स चोट हो चुकी है कि मेरे क्रेडिट कार्ड, मेरा एटीएम कार्ड, मेरा पैन कार्ड एंड मेरा आधार कार्ड ये सारे गुम हो चुके हैं। कोई भी चीज उस टाइम मेरे पास में नहीं है एंड मेरे पास उनकी कोई डिटेल भी नहीं है, तो ब्लॉक भी नहीं करा सकते। तो ये कैसे हुआ? तो वैसे भी मैं सोचूंगा जहां पे जब रुक जाएंगे कि ब्लॉक कैसे कराना है। 8:50 एंड सेकंड टॉल हमने क्रॉस कर लिया है। ये कितनी तेज चला रहे हैं यार, ये इनको डर भी नहीं लग रहा भैंचो। Holy fuck! कितने किलोमीटर आ गए हम? थक गए भाई। 50 किलोमीटर आए हैं। 17 मिनट में। सत्रह मिनट में 50 किलोमीटर। गाइस हम पहुंच गए आगरा और अभी हम एक ब्रेक लेने वाले हैं। ब्रेक मतलब यहां पे लेफ्ट। तो 15 मिनट में आगरा कैसे पहुंच गए? सो आई एम नॉट श्योर, एक्चुअली लीड मैं नहीं कर रहा हूं। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे, ओके, हमें एक्सप्रेसवे के ऊपर चढ़ना है लखनऊ आगरा वाले पे। पहुंच चुके हैं ये शायद, है ना, आगरा के अंदर। Such a beautiful place, amazing. तो ये हाईवे की वैसे मैंने बहुत ज्यादा तारीफ सुनी है एंड बहुत ज्यादा ही तारीफ सुनी है। और वैसे 5 बाइकर्स एक है ZX10R पुरानी वाली, एक ZX10RR, एक R1M, एक BMW S1000RR और एक अपनी वायरल। स्पीड तेज हो रही है। वैसे राइड बहुत ही अच्छी रही, मतलब आगे पीछे करके हम चलते रहे एंड लखनऊ इज 317 किलोमीटर और जाना है अभी। और ये वीडियो ऑलरेडी काफी लंबा हो चुका है, तो इस वीडियो को भी मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ। आज मतलब जब तक 250 तक थे तब तक डेफिनेटली 10RR और R1M आगे निकल रही थी, पर 250 के बाद ये बेबी रूल करती है। मतलब 250 के बाद इतना मुश्किल है एक लीडर क्लास बाइक को इसको टक्कर देना, मतलब प्रैक्टिकली कुछ कर ही नहीं पाते। एंड इवन शुरू में 0-60 या 0-70 या 0-100 भी मान लो, उसमें भी ये एक बार आगे निकल जाती है क्योंकि वेट बहुत ज़्यादा है, दूसरी बाइक फेली कर रही होती है, हवा विंड ब्लास्ट बहुत ज्यादा है, इसलिए शायद आवाज सही ना आ रही हो।
चल रहा है चेक कर लिया मैंने। गाइस अगर वीडियो पसंद आ गया तो लाइक, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो। मिलते हैं नई वीडियो के साथ कल सुबह 7:30 बजे। बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू टर्बो फैमिली। यो बैंचो रिएक्शन वीडियो होती है कंप्लीट, और 15 मिनट में भाई आगरा पे इन्होंने पहुंचा दी बाइक को। सो और इतनी गंदी राइडिंग थी, इतनी गंदी बाइक चलाई है ना भाई, 300 यूज हुई, 300 टच, 300 पार ही कर दी होगी है ना। सो भाई अपने बस की नहीं है भैया, ये 15 मिनट में आगरा पहुंच गया दिल्ली से, यहाँ 15 मिनट साला उसको स्टार्ट करने में लग जाते हैं है ना। पहली बात तो बाइक ही नहीं आती, सो है ना, स्कूटी चलाते हैं भाई हम तो, स्कूटी वाले हैं। बाइक वाइक अपने गियर बदलो, फलाना बदलो, मेरे को सिस्टम थोड़ा कम समझ आता है बाइक का ना। सो 15 मिनट उसको चाबी घुमाओ, पहुंचो, ये वो साला 10-15 मिनट तो वहीं खराब हो जाते हैं, इतने में आगरा पहुंच गए सोचो। और चलो स्टार्ट भी कर ली तो यहाँ से बाहर, कलोनी से बाहर निकलने में 15 मिनट लग जाते हैं भाई, ये आगरा पहुंच गए। काफी खतरनाक थी भाई बहुत, लेकिन रिस्क भी काफी होता है ऐसी राइडिंग के अंदर, क्योंकि अगर हल्का सा कुछ आया है ना, सो खेल खत्म वहीं भाई, बचना मुश्किल है इतनी तगड़ी स्पीड पे, इतनी टॉप स्पीड पे। सो रिस्क भी है, रिस्क है तो इश्क है लाला। सो या बाकी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना। सो मिलते हैं अपनी नई रिएक्शन वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।